हेलो फ्रेंड्स टूडेज टॉपिक इज स्टीमिंग एंड लीडिंग स्टीमिंग एंड लीडिंग मीन्स व्हाट दिस टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब अटेम्प्ट टू हाइड द लॉस क्या बोला है हाइड द लॉस ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम वन कस्टमर जैसे मुझे कैश रिसिवड हुआ है तो मैंने क्या किया है हाइट द लॉस किया है बाई यूजिंग मैंने वो अभी उस टाइम में मैंने मिस अप्रोप्रेड कर दिया मैंने वो जब कैश रिसिव किया था तो मैंने वहाँ पर नहीं बताया था बाई यूज़िंग कैश रिसीव्ड यहाँ पे देखो लिखा है ना यूजिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनदर कस्टमर जब अनदर कस्टमर आएगा तो जहाँ पे मुझे लॉस हुआ या मुझे हाइड करना है तो वो वाला पैसा मैं क्या कर दूँगी उस पहले वाले में ऐड कर दूँगी दैट इज़ कम अंडर द टीमिंग एंड लीडिंग ओके अभी इसके अभी ये तो आपको समझ में आ गया अब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ ये बहुत इजी है है ना अब यहाँ पे देखो दिस कैश इज़ मिस यूज फॉर टाइम ये टाइम क्या होता है यहाँ पे होता है टाइम उसने क्या किया हाइड द लॉस ऑफ़ कैश रिसीव कैश रिसीव तो कर दिया लेकिन उसने उस टाइम वो बताया नहीं क्या हुआ उसने नहीं बताया सो so, क्या हुआ जब वो बुरा कोई दूसरा डेटस आएगा तो मैं क्या कर दूँगा ऐड कर दूँगा उसमें है ना इसको भी बोलते हैं टीमिंग एंड लीडिंग टू प्रोटेक्ट टू Detating, error fraud. वो आर डिटेक्टिंग एरर फ्रॉड वो फ्रॉड को छुपाने के लिए ही ये सारा काम कर रहा है है ना अभी देखो फॉर एग्ज़ाम्पल के हिसाब से दिस कैश इज मिस यूड फॉर द सम टाइम, अभी क्या है ए से जो पैसा मिला हुआ है ए बंदे से डेटर से तो मैंने उस टाइम क्या किया कैश नहीं बताया कैश रिसीव नहीं बताया उसको मैंने मिसअप्रोप्रिएट करना स्टार्ट कर दिया अब अनदर कस्टमर यहाँ पे देखो लेकर अनदर कस्टमर टू रिप्लेस एट अब यहाँ पे क्या हो किया मैंने रिप्लेस किया है देखो अभी जब बी वाला बंदा आएगा डेटस तो मैंने क्या किया ए वाले में पैसा डाल दिया किसी को पता चलेगा क्या नहीं और लेकिन मैंने बी वाले को कैंसिल कर दिया है।, है ना सेम सेम कंडीशन यहाँ पर जब सी वाला कोई बंदा आया डेटस आया तो मैंने बी वाले अकाउंट में क्या कर दिया वो पैसा डाल दिया पता चला क्या किसी को नहीं पता चला और मैंने सी में क्रॉस कर दिया फिर देन डी उसके बाद सी में मैंने क्या किया उसके अकाउंट में क्या कर दिया पैसा डाल दिया लेकिन डी में अकाउंट में पैसा डाला क्या नहीं डाला तो ऐसे ही स्लोली स्लोली वो क्या करता रहता है सब एडजस्टमेंट करता रहता है और किसी को पता भी नहीं चलता है कि उसने वो फ्रॉड किया है और वो जल्दी पकड़ा भी नहीं जाता तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर द टू डू द टीमिंग और लेडिंग है ना यहाँ पर लेकर टू हाइड द वॉट लॉसेस वन कैश रिसीव फ्रॉम वन कस्टमर बाई यूजिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम दर कस्टमर टू रिप्लेस तो यही क्या हुआ है पूरा रिप्लेस हुआ है तो इट इज़ कॉल्ड एज वॉट टीमिंग एंड लीडिंग अंडरस्टूड टीमिंग एंड लीडिंग और उसका कोई शॉर्ट नेम भी है दैट इज नेम शॉर्ट टर्म बैंकिंग डीले अकाउंटिंग एंड लैपिंग तो उसको बोलते हैं एक अनदर नेम भी बोल सकते हैं बट टीमिंग एंड लीडिंग इज टू तो रिप्लेसिंग द वट नेम ऑफ द पर्सन है ना तो उससे पता भी नहीं चलेगा और उसको क्या करता है डिटेक्ट से वो बच जाता है और वो फ्रॉड भी कंटिन्यूसली करता रहता है ओके थैंक यू सो मच इफ़ यू लाइक माय वीडियोस और कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे उस चीज़ के लिए एडवांटेज मिला है मुझे समझ में आए तो प्लीज़ उसको लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू सो मच